हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मीठे गुजिए। ये गुजिए सभी को बहुत ही पसंद होते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे। सूजी अच्छे से सिक गई है तो अब हम इसमें नारियल का बूरा डालेंगे। 2 चम्मच मैंने बूरा लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। इसे भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। नारियल का बूरा भी सिक गया है तो अब हम इसमें खसखस डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से सिक गई है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम 1 कटोरी मैदा डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। आटे में चीनी डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। मोयन के लिए मैंने घी लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह का मोयन चाहिए हमें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा हमें थोड़ा टाइट ही गूंथना है। तो ये हमारा आटा तैयार है, इस तरह का आटा चाहिए हमें। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट रेस्ट दे देंगे। और यहाँ पर हमारा मावा ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमें पीसी हुई लेनी है, मैं यहाँ पर 5 चम्मच डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो 3 चम्मच घी और डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मावा तैयार है। 10 मिनट हो गया है और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा घी डाल करके आटे को और भी स्मूथ कर देंगे। तो ये हमारा आटा स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेंगे और इसका एक लोया बनाएंगे और इसे बेलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पतला बेलना है। ये मैंने गुजिया का मशीन लिया है, इसको हम घी से ग्रीस कर देंगे। और पूड़ी को हम इसके ऊपर रखेंगे। और मशीन के एक तरफ हम मावे को भरेंगे। इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे ताकि गुजिया अच्छे से पैक हो जाए। और बचा हुआ आटा निकाल देंगे। तो ये हमारा गुजिया बनकर के तैयार है। इसी तरह से हम सारे गुजिये बना देंगे। तो ये हमने सारे गुजिये बना दिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पर तेल को गरम रख दिया है, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो गैस को हम स्लो कर देंगे और गुजिये को हम इसमें डालेंगे। इसे हमें बिल्कुल स्लो गैस पर ही तलने हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें पलटेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, गुजिया में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल देंगे।
और इसी तरह से हम सारे गुजियों को तल लेंगे। तो ये हमारे सुपर टेस्टी गुजिया बन करके तैयार है। गुजिया बहुत ही टेस्टी बना है, मैं आपको तोड़ करके बताती हूँ। तो ये देखिए मावा भी अच्छा भरा है अंदर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।